हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का बीएस रिव्यूज में। आज हम लोग रिव्यू करेंगे टीवीएफ की वेब सीरीज एस्पिरेंट्स को, तो इस वीडियो को एंड तक जरूर देखना। तो चलिए शुरू करते हैं। तो एस्पिरेंट्स, ये वेब सीरीज अप्रैल में स्टार्ट हुई थी और इस सीरीज का लास्ट एपिसोड अभी कुछ ही देर पहले यूट्यूब पे प्रीमियर हुआ है। इस सीरीज में टोटल 5 एपिसोड हैं और हर एपिसोड करीब 40 से 50 मिनट के आसपास का है। अगर हम इसी कहानी की बात करें तो ये कहानी है तीन दोस्तों की, अभिलाष, एसके और गुरी की, जो कि दिल्ली के ओल्ड राजेंद्र नगर में यूपीएससी की तैयारी कर रहे हैं और इस तैयारी के दौरान वो किस तरह की प्रॉब्लम्स फेस करते हैं और कैसे इनकी लाइफ में धैर्य की एंट्री होती है और क्या ये लोग आईएएस बन पाते हैं या नहीं, ये सब जानने के लिए आपको ये सीरीज देखनी पड़ेगी। अगर हम इसके स्क्रीन प्ले की बात करें तो इस सीरीज का स्क्रीन प्ले बहुत ज़्यादा अच्छा है, मतलब कि आप इस पूरी सीरीज में एक भी गलती नहीं ढूंढ पाओगे, इस बात की मैं गारंटी दे सकता हूँ। और जिस तरह से इस स्टोरी को अरेंज किया गया है वो भी कमाल का है, क्योंकि जिस तरह से एक सिंपल सी स्टोरी में दो टाइमलाइन क्रिएट की गई हैं और फिर जिस तरह से दोनों टाइमलाइंस में ये सीरीज जंप करती है वो इतने ज्यादा अच्छे से लिखा गया है कि हम इस पूरी सीरीज के साथ एक सेकंड के लिए भी डिस्कनेक्टेड फील नहीं करते हैं। और इसके कारण जो इस सीरीज में ट्विस्ट एंड टर्न्स आते हैं वो भी काफी ज्यादा इम्पैक्टफुल हो जाते हैं। और जहां तक बात है कैरेक्टर डेवलपमेंट की तो वो भी काफी ज्यादा अच्छा है, हम सभी कैरेक्टर्स के साथ इतने ज्यादा अच्छे तरीके से कनेक्ट हो जाते हैं कि चौथे और पांचवें एपिसोड में काफी सारे लोग इमोशनल हो जाएंगे। स्पेशली जो संदीप भैया का कैरेक्टर है वो आपको बहुत ज्यादा हिट करेगा और इस पूरी सीरीज के दौरान किसी भी कैरेक्टर में आपको कोई सडन चेंज देखने को नहीं मिलेगा, जो कि एक बहुत अच्छी राइटिंग की पहचान है। और जो कैरेक्टर्स के बीच के डायनामिक्स हैं वो भी काफी ज्यादा अच्छे हैं, चाहे आप इन तीनों दोस्तों के बीच के रिलेशनशिप की बात करो या फिर अभिलाष और धैर्य के बीच के रिलेशनशिप की, सब कुछ देखने में काफी ज्यादा अच्छा लगता है। लेकिन जो चीज मुझे टीवीएफ की सबसे ज्यादा अच्छी लगती है वो ये है कि टीवीएफ अपनी सीरीज में लव एंगल को ज्यादा इंपॉर्टेंस नहीं देता है, जो कि हमें इस सीरीज में देखने को भी मिलता है। यानी जब अभिलाष को ऐसा लगता है कि धैर्य के साथ उसके रिलेशनशिप के कारण वो यूपीएससी पे फोकस नहीं कर पा रहा है तो वो अपने रिलेशनशिप को खत्म कर देता है, कुछ ऐसे ही हमने कोटा फैक्ट्री में भी देखा था। और यहाँ भी मेकर्स का ये डिसीजन मास्टर स्ट्रोक से कम नहीं है। और भी बहुत कुछ बोलना चाहता हूँ यार, लेकिन उन सबका कोई मतलब नहीं है। और अगर हम एक्टिंग की बात करें तो सभी एक्टर्स का काम काफी ज्यादा अच्छा है, चाहे आप किसी की भी बात करो सभी का काम काफी ज्यादा अच्छा है। और अगर हम डायरेक्शन और एडिटिंग की बात करें तो इन दोनों ही डिपार्टमेंट की जितनी तारीफ की जाए उतनी कम है, मतलब सच में यार मजा ला दिया है डायरेक्टर ने और उसके ऊपर से एडिटर ने इस सीरीज में 4 चांद लगा दिए हैं। और अगर हम प्रोडक्शन क्वालिटी की बात करें तो वो काफी ज्यादा अच्छी है। तो ओवरऑल मैं यही बोलना चाहूंगा कि ये काफी ज्यादा अच्छी वेब सीरीज है जिसे आपको जरूर देखना चाहिए, आप काफी ज्यादा एंजॉय करोगे। और वैसे भी ये वेब सीरीज फ्री में यूट्यूब पर ही अवेलेबल है, तो आपको इस सीरीज को देखने के लिए कोई पैसे भी नहीं देने पड़ेंगे। तो मेरी तरफ से तो ये वेब सीरीज पूरी तरह से रिकमेंडेड है। और अगर आपने ये वेब सीरीज देख ली हो तो मुझे कमेंट्स में जरूर बताना कि आपको ये वेब सीरीज कैसी लगी। और अगर आपको वीडियो से रिलेटेड कोई सजेशन या शिकायत करनी हो तो भी आप हमें कमेंट्स में बता सकते हैं या फिर हमें इंस्टाग्राम और ट्विटर पर फॉलो कर सकते हैं, लिंक डिस्क्रिप्शन में। आज के लिए बस इतना ही दोस्तों, अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना और अपने दोस्तों में ये वीडियो शेयर कर देना। मैं मिलता हूँ आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।